सनातन बोर्ड बनवा के रहेंगे, कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण करा के रहेंगे, हम कटेंगे, हमें तो बस सनातन बोर्ड ही चाहिए। ये साधु संतों का गुस्सा है जो आज दिल्ली में आकर सरकार पर फूट पड़ा। सनातन धर्म संसद में सबके मुंह पर एक ही सवाल था कि जब देश में मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड है तो फिर सनातन की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड बनाने में दिक्कत क्या है। बहुत सहलिया अब न सहेंगे, हिंदू हक अब लेके रहेंगे का बार बार नहीं आएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। हिंदुओं की छाती पर बैठकर अब हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होगा, सनातन बोर्ड तो होगा पर वक्फ बोर्ड का नाम और निशान नहीं होगा। सवाल बड़ा है कि साधु संतों को सनातन बोर्ड क्यों चाहिए। तिरुपति के प्रसाद में चर्बी कांड के बाद ये सोच मजबूत हुई है कि मंदिरों का प्रबंधन, उनका चढ़ावा, उनके नियम कायदे सब कुछ सरकार के हाथ में नहीं बल्कि हिंदुओं के हाथ में होना चाहिए। सनातन धर्म संसद में भी यही एजेंडा रखा गया, धर्म और आस्था की रक्षा करने का अधिकार मिले, मंदिरों देवालयों का मैनेजमेंट सनातन बोर्ड ही देखे, पूजा प्रसाद अनुष्ठान सारे नियम बोर्ड तय करे, मंदिरों से जुड़ी संस्थाओं पर सरकारी नियंत्रण न हो, सनातन बोर्ड के पास वक्फ बोर्ड जितनी जमीन हो। गौ माताएं इतनी दुखी है इस देश में, तो हम लोगों को ये धर्माचार्य हम लोग काय के लिए बने, रबड़ी खाने के लिए बने? हम लोग अपने धर्म के बारे में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, किसके लिए करते हैं? हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से छुड़ाने की कोशिश पुरानी है, अब उस कड़ी में सनातन बोर्ड का ये मॉडल आगे किया गया है। सनातन बोर्ड की मांग ऐसे वक्त पर जोर पकड़ रही है जब वक्फ बोर्ड और उस पर सरकार के वक्फ बिल पर पहले से ही राजनीति छिड़ी हुई है और अगले संसद सत्र में इस पर हंगामा होना भी तय है। साधु संत देश के 36 राजनीतिक दलों को लेकर पहले ही चिट्ठी लिख चुके हैं, इसे लेकर लंबे जागरण का कार्यक्रम भी तय है। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।